guys, welcome to All About Lifestyle. Hope everyone is doing good. This is Shraddha. So let's talk about today's video. आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि how I'm gonna make paper mache balls using paper and wall putty. Yes, मैंने paper और कागज या के टुकड़ों से और wall putty से मिलाकर paper mache ball बनाया है. Actually recently I visited Delhi Haat जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर hand painted मधुबनी ball मिल रहे थे. तभी मुझे एक आइडिया हिट किया क्योंकि क्यों ना मैं ही इन्हें रेडी करूं या DIY करके देखूं. तो आज का वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है कि मैंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही इजीली दिखाया जाएगा कि मैंने पेपर मेशी बॉल कैसे बनाया है और उसे कैसे पेंट किया है, उसके बाद उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं. तो अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता हो और आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में मैं इंटीरियर रिलेटेड होम डेकोर और DIY आइडियाज शेयर करती हूँ. तो अगर आपको वीडियोस देखना अच्छे लगते हैं वैसे तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे. और साथ ही साथ मैं लास्ट में एक बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि हाउ यू कैन अर्न मनी बट जस्ट सिटिंग एट होम, और उसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. तो अगर आपको ये आइडिया देखना है तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, फॉर मेकिंग पेपर मेशी बोल्स यू नीड सम पेपर्स. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने कुछ लॉन्ग स्ट्रिप्स पेपर की काट रखी हैं. न्यूज़पेपर या ओल्ड मैगजीन, आप कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी पेपर. उसके बाद मैंने एक बोल में यहाँ फेविकॉल और थोड़ा सा वाटर मिक्स किया है. इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और फिर उसके बाद ये एक मैं स्टील का बोल ले रही हूँ. आप कोई भी बोल ले सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, ग्लास बोल हो, कैसा भी बोल हो सकता है. उसके बाद मैंने इसे प्लास्टिक बैग में इंसर्ट करके इसे अच्छे से रैप कर दिया है. अब इसे इन्वर्टेड पोजीशन में हम रखेंगे. इसके बाद ये जो मैंने स्ट्रिप्स काट रखी हैं न्यूज़पेपर की, इसको वन बाय वन मैं ये मिक्सचर में डिप करती जाऊँगी और वाटर का जो मिक्सचर है, और सिंपली इसको मैं इस तरीके से ऊपर चिपकाती जाऊंगी बोल का स्ट्रक्चर देने के लिए. थोड़ा सा मैसी है लेकिन काम करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इसका आउटकम काफ़ी अच्छा है. तो इस तरीके से आपको चिपकाते जाना है पूरे न्यूज़पेपर को. और थिकनेस रखने के लिए आप लेयर पे लेयर चढ़ा सकते हैं. तो देख सकते हैं मेरा पेपर बोल कुछ इस तरीके से दिख रहा है सूखने के बाद. ये ओवरनाइट सूखाना चाहिए जिससे कि अच्छे से सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए. नाउ यू कैन सी कि आई हैव टू पेपर बोल्स. अब इनके जो एजेस हैं वो इवन नहीं है तो आई हैव टू कट देम. तो पहले मैंने इनके एजेस को अच्छे से कट कर लिया है जिससे इवननेस आ जाए. सो इन द सेम वे आई विल कट द एज ऑफ अदर पेपर मेशी बोल ऑल्सो. नाउ टू मेक द सर्फेस ऑफ बोल स्मूथ, मैं इसमें वॉल पुट्टी अप्लाई करूँगी. आप वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके इसका थिक पेस्ट बनाना है हमें. इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है जिससे ये अच्छे से इसमें लग सके. तो अब हम इसे पेपर बोल में लगाना स्टार्ट करेंगे. इस तरीके से आप स्पून या अपने हाथ से भी इसे लगा सकते हैं. वॉल पुट्टी का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें एक तो स्मूथनेस आ जाए, दूसरा मैं इसमें पेंट करूँ तो कलर चिप ना करे और ये दिखने में भी अच्छा लगे. जिस तरीके से एक मधुबनी हैंड पेंटेड बोल बनता है उसका अपेयरेंस उस तरीके से दिखे. तो आगे पीछे दोनों तरफ मैंने वॉल पुट्टी लगा लिया. वॉल पुट्टी लगाने के बाद इसे ओवरनाइट ड्राई करने के बाद मैं इसे सैंड पेपर से रब करूँगी ताकि इसका सर्फेस एकदम इवनली स्मूथ हो जाए. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फेविक्रिल का शिल्पकार ले रही हूँ. इसके अंदर दो पैकेट आते हैं और ईच पैकेट कंटेन्स डिफरेंट मटेरियल, लाइक वन इज़ ऑफ रेजिन एंड अनदर वन इज़ ऑफ मोल्डिंग. तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम इन्हें आपस में रब करेंगे. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिल्पकार के पीछे आपको सारा मेथड दिया होगा कि आप इसे कैसे मिक्स कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों मटेरियल को मिक्स कर लिया है और इस तरीके से एक बॉल बना ली है. अब मैं इस बॉल से छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी और ये बॉल्स मैं बड़े वाले पेपर मेशी बॉल पे स्टिक करूंगी. आप छोटी छोटी बॉल्स लेते जाना है और स्टिक करते जाना है. आप वेट हैंड से इसको स्मूथ बनाने के लिए पानी लेके इसे इसके सर्फेस पर लगा सकते हैं. तो इस तरीके से मैं पूरे एज में ये छोटे छोटे बॉल्स फिक्स करूँगी. उसके बाद जो सेकेंड पेपर मेशी बॉल है वो उसका जो एज है वो काफ़ी स्मूथ नहीं था, तो उसको भी स्मूदन करने के लिए मैंने यहाँ शिल्पकार का यूज़ किया है और वेट हैंड से इसके एज को परफेक्ट स्मूदनेस दी है, एक शेप दिया है. अब उसके बाद
I have drawn a rough sketch of Madhubani art on both the paper mache balls, and then I'm going to paint them. And for painting, I'm using acrylic colors. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो sun बनाया है एक मधुबनी art से, तो उस पर मैं यहाँ golden color use कर रही हूँ. As festive season is going on, so I'll be making these bowls very vibrant, very colorful. तो इसमें मैं बहुत सारे colors apply करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैंने golden color दिया है as a base. उसके बाद यहाँ पे मैं black acrylic color से outline दूंगी और सन का फेस बनाया है विथ आईज, नोज एंड मुस्टैशेस. अब मैं जो सर्कल्स मैंने बनाए छोटे छोटे उसमें डिफरेंट कलर्स अप्लाई करूंगी. तो यू कैन सी हियर दैट आई एम अप्लाइंग येलो कलर. आफ्टर दैट आई विल अप्लाई द रेड कलर, उसके बाद ग्रीन. Now you can see that I am filling orange color in these petals. Actually these are not petals, these are rays of sun. But Madhubani art ke form mein maine ise petals banaya hai. To sare petals ko orange color fill karne ke baad, now I am painting the rest of the space with green color. Agar aap ye soch rahe hain ki color mera yahan wahan lag raha hai, to don't worry for that. Because at the end jab main finishing dungi to main sab kuch perfect kar dungi. अब उसके बाद जैसे कि सारे कलर्स फिल हो चुके हैं, मैं ब्लैक कलर से सारे स्ट्रक्चर को आउटलाइन दूंगी. वंस ऑल द पैटर्न्स गॉट आउटलाइन, नाउ आई विल बी एडिंग सम डिटेल्स विद व्हाइट कलर्स एंड black color. I mean to say I'll be using black marker for adding details. तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ कुछ dots बना रही हूँ white color से. dot रखने के लिए आपका जो paint brush है उसको उल्टे side से paint में dip करके छोटे छोटे आप dots apply कर सकते हैं. आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक मार्कर से ये डिटेल्स दिए हैं, सिंपली लाइन बनाए हैं, पैटर्न बनाए हैं. जैसे एक मंडाला आर्ट में होता है वैसे ही मधुबनी आर्ट में भी होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर. अब पीछे के साइड जो बोल है उसमें भी मैं कलर दे रही हूँ, क्योंकि हम जब बोल सीधा रखेंगे तो पीछे का साइड भी दिखेगा. फॉर दिस आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, जस्ट फॉर मेकिंग इट वाइब्रेंट. उसके बाद यहाँ सारे कलर फिल करने के बाद अगेन आई एम गोइंग टू गिव आउटलाइन. तो इस तरीके से हमारा बोल पूरी तरीके से कंप्लीट है, यू कैन सी हियर. लास्ट में मैं यहाँ अगेन वाइट कलर से थोड़े डिटेल्स ऐड कर रही हूँ. नाउ फॉर द सेकेंड पेपर मशी बोल, मैंने यहाँ पे पहले ही आउटलाइन बना चुका है. अब इसके बाद मैं यहाँ इसमें सिर्फ येलो कलर यूज करूंगी, तो ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन होगा. नाउ यू कैन सी मैंने इसमें जहां जहां मुझे येलो कलर फिल करना था वो फिल कर दिया है. एट लास्ट जब हमारे दोनों पेपर मिशी बोल रेडी हैं, तो इनका जो पेंट खराब ना हो और ये लॉन्ग लास्ट करें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर वार्निश यूज़ कर रही हूँ एशियन पेंट का. और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें ना तो स्क्रैच आएगा ना पेंट खराब होगा. तो ये काफ़ी मतलब फॉर प्रिजर्वेटिंग ये बहुत ही अच्छा है. मैंने दोनों बोल्स में इस तरीके से लगा दिया. नाउ यू कैन सी यू कैन यूज़ दीज पेपर मेशी बोल्स फॉर स्टोरेज, फॉर डेकोरेटिव पर्पस. लाइक आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी सजा सकते हैं, प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या शेल्फ पे भी रख दें तो बहुत अच्छा लगेगा. As you all know that festive season is just around the corner. जैसे कि नवरात्रि आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो उन सब फेस्टिवल सीजन के लिए ये पेपर मिशी बॉल्स परफेक्ट पीस हैं डेकोर करने के लिए, होम डेकोर आइडियाज़ के लिए. और आगे भी मैं इनसे कुछ आइडियाज़ दिखाने वाली हूँ. तो आई होप आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करेंगे. और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यू कैन फॉलो मी देयर फॉर रेगुलर अपडेट्स, एंड द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
सो गाइज द आइडिया आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं. उसके लिए एक ऐप है जिसका नाम है मीशो. मीशो इंडियाज बेस्ट रीसेलर ऐप है और फर्स्ट वर्क फ्रॉम होम ऐप है जहाँ पर आप घर बैठे पैसे आसानी से कमा सकते हैं. उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. आपका जो फेसबुक अकाउंट है या आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो आप उसमें उसके प्रोडक्ट्स को ब्राउज करके हाई रेटेड वैल्यू या हाई रिव्यूड प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं और अगर जिनको भी ये प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आप उनके घर तक उसे डिलीवर करा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें मार्जिन सेट करना होगा. मार्जिन का मतलब ये है कि जो शिपमेंट चार्जेस और MRP है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट आपको उसमें लगाना होगा और वही आपका प्रॉफिट होगा जो आपको विद इन 7 या 10 डेज में मिल जाएगा. उसके लिए आपको अपने बैंक डिटेल्स मीशो ऐप के साथ शेयर करने होंगे. साथ ही साथ इसमें 7 डेज रिटर्न पॉलिसी भी है. अगर किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या इन केस वो कभी डैमेज होता है तो ईजिली रिटर्न भी हो जाएगा. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं. As soon you open the Meesho app, आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स दिखेंगे. प्रोडक्ट्स को ब्राउज करने के लिए राइट कॉर्नर में फिल्टर ऑप्शन है, वहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करके प्रोडक्ट्स को ब्राउज एंड देन यू कैन शेयर देम. तो यहाँ पे मैंने होम डेकोर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जैसे कि ये डोरमैट. तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्रोडक्ट के डिटेल्स, साइज और अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं. अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको पिन कोड डालना है और उसके बाद आप इसे व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं और जिन्हें आप शेयर करेंगे उनको इसकी इमेज और डिस्क्रिप्शन देखने मिलेगा. अगर उन्हें ये पसंद आता है देन यू कैन ऐड मार्जिन एंड शेयर. आप हाई रेटेड और हाई रिव्यूड प्रोडक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं. जिनके अच्छे रिव्यू हैं वो प्रोडक्ट शेयर करें जिससे आगे इन्हें कोई परेशानी ना हो. अब मार्जिन ऐड करने के लिए आप प्रोडक्ट पर क्लिक करें और उसे सिलेक्ट साइज करके ऐड टू कार्ट करें. कार्ट पर क्लिक करने के बाद उसमें ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करने के बाद उसमें मार्जिन ऐड करें. मार्जिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज फ्रॉम दिस ओनली यू कैन अर्न फ्रॉम मीशो. तो मार्जिन आप कितना भी ऐड कर सकते हैं. तो जो आपका प्रोडक्ट का चार्ज है शिपमेंट और MRP मिला के उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आपको प्रॉफिट होगा. अब उसके बाद आप इसमें एड्रेस डिटेल डाल के सेव करके इसे आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं और इस तरीके से आप मीशो से अर्न कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. अगर यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.